बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ क्लास 10 की एक्सरसाइज 1.2 करूंगी, जो कि है दर्ज ज़ैल सवालात को फार्मूलों की मदद से हल करें। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस गिवन हैं जिसमें आपने कुछ फार्मूलाज को अप्लाई करते हुए उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब वो कौन से फार्मूले हैं जिनको हमने अप्लाई करना है? आपकी 1.2 से पीछे उन्होंने ये देखें, ये 7 फार्मूलाज वहाँ पे लिखे हुए हैं। ये फार्मूलाज मैंने यहाँ पे एक पेपर पे लिखे हैं। अब ये 7 फार्मूलाज आपने देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला सूटेबल है और हमने उस फार्मूले को कहाँ पे अप्लाई करना है। आपने ये फार्मूलाज याद करने हैं, क्योंकि जब भी आपका पेपर आएगा तो उसमें आपको ये फार्मूलाज गिवन नहीं होंगे। आप ये फार्मूलाज याद करें और क्वेश्चन को देखते हुए आप ये बताएं, मतलब आप ये करेंगे कि कौन सा किस क्वेश्चन में कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। तो चलें इन क्वेश्चंस, इन फार्मूलाज को मद्देनजर रखते हुए देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है और उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है। ये कुलिया नंबर 1, ये कुलिया नंबर 2, ये कुलिया नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 है। तो चलें शुरू करते हैं। जी, जैसा कि मैंने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2y होल स्क्वायर। अब ये देखें, ये है इसका, इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, मतलब यहाँ पे है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, के यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, बीच में प्लस है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा। आपने वो फॉर्मूला यहाँ पे लाजमी मेंशन करना है, क्योंकि क्वेश्चन यही है कि आप फॉर्मूला को यूज करते हुए इसको सॉल्व करें। तो मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी फॉर्मूला, जो कि है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 2 into a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ यानी कि अब यहाँ पे हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। इस फार्मूले में देखें, a प्लस बी की जगह पे ये है, a माइनस बी की जगह पे ये है और प्लस, इसका मतलब हमारा आंसर जो आएगा वो इसको सॉल्व करते हुए आएगा। जी, तो मैं यहाँ पे a प्लस बी की जगह पे जो उसका क्वेश्चन में गिवन है वो लिखती हूँ, x प्लस 2y होल स्क्वायर प्लस x माइनस 2y होल स्क्वायर इज इक्वल। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये चीज़ हमने सॉल्व करनी है। देखें, टू फार्मूला का और ए स्क्वायर का मतलब है जो फर्स्ट टर्म है दोनों की उसका स्क्वायर। तो दोनों की फर्स्ट टर्म क्या है, x, तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर में प्लस, अब बी स्क्वायर का मतलब क्या है, जो सेकंड टर्म्स हैं उनको लिखना है स्क्वायर में। तो सेकंड टर्म क्या है, 2y, तो ये देखें 2y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 into x स्क्वायर प्लस 2 to the 4 एंड y स्क्वायर, जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 4 to the 8 वाई स्क्वायर, ये है इसका आंसर। तो ये देखें, जैसा कि आपने देखा, अगर आपको फार्मूला पता होगा तो ही आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वरना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे या फिर गलत सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप ये फार्मूलाज लाजमी याद रखें। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करती हूँ। अब देखें इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 5x प्लस 3y होल स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3y होल स्क्वायर है। पहला और दूसरा क्वेश्चन सेम है, दोनों में सेम फार्मूला ही यूज होगा। तो अब ये फार्मूला यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल है 2 into a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं, तो a प्लस बी की जगह पे आएगा 5x प्लस 3y होल स्क्वायर 5x माइनस 3y होल स्क्वायर 2। अब देखें फर्स्ट टर्म क्या है, 5x जी, तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे 5x स्क्वायर प्लस सेकंड क्या है 3y जी। तो अब नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, ये 5 5 25x स्क्वायर प्लस 3 3 9y स्क्वायर, तो अब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 25 को 5 से करेंगे तो 50x स्क्वायर प्लस 9 2 18y स्क्वायर, तो ये है इसका आंसर। जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3l प्लस 2m होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m होल स्क्वायर। तो ये अब डिफरेंट है, देखिए यहाँ पे प्लस था और यहाँ पे माइनस आ गया, इसका मतलब यहाँ पे अब डिफरेंट फार्मूला यूज होगा, जो कि होगा माइनस वाला। और वो कौन सा फार्मूला है, वो है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल 4ab। अब यहाँ पे ये वाला फार्मूला यूज होगा, ना कि ये वाला फार्मूला। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बीच में प्लस है और यहाँ पे माइनस। अब इस प्लस से देखें, इसके ये किसके इज इक्वल है और माइनस की वजह से ये किसके इक्वल है। अब देखें हम यहाँ पे लिखेंगे 3l प्लस 2m होल स्क्वायर माइनस 3l माइनस 2m होल स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, 4 फार्मूले का है। और a हमारे पास क्या है, 3l, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, सिर्फ हमने a ही लिखना है। तो दोनों का a क्या है, 3l, उसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ, जो कि है 2m। तो अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखें 4 3 12 12 2 24 lm, तो ये है इसका आंसर। जी, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, l प्लस m इंटू l माइनस m इंटू l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर इंटू l 4m4।
यहाँ पे है जी L4। अब यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा पहले वाले तीनों क्वेश्चन से डिफरेंट है। यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर नहीं दिए गए और ना ही यहाँ पे क्यूब दिया गया है। तो इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन में देखें। इस क्वेश्चन के लिए वो जो पहले वाला फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वो इस फॉर्मूला इस पूरे क्वेश्चन में यूज होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, पहले हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, एल प्लस एम को एल माइनस एम के साथ। तो एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम, इसको आप कर दें एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दें सेपरेट से, ताकि पता चले कि ये दोनों क्या होंगे अभी मल्टीप्लाई जी। अब यहाँ पे हम जो फॉर्मूला यूज करूंगी मैं इस पूरे क्वेश्चन में, वो मैं एक दफा ही यहाँ पे लिखने लगी हूँ, जो कि है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आपको पता है कि जब स्क्वायर गिवन हो और वो माइनस में हो तो उसको किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पे हमारे पास था एल प्लस एम इंटू एल माइनस एम, तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा एल स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। उसके बाद है जी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एल फोर प्लस एम फोर, ये आएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे, ये ऑलरेडी एल स्क्वायर है और ये ऑलरेडी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का स्क्वायर, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में एल फोर प्लस एम फोर जी। तो अब जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, एल फोर माइनस एम फोर, और इसको मल्टीप्लाई करना है हमने एल फोर प्लस एम फोर के साथ। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई मीन्स इसका स्क्वायर लेने का क्या मतलब होगा, देखें एल फोर, दोनों का L4, इसका लेंगे स्क्वायर माइनस M4 और इसका लेंगे स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4 2 8 L8 माइनस M8, तो ये है इसका आंसर जी। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी माइनस वन ओवर बी होल क्यूब, बट यहाँ पे है 3 जी, ये है ए बी माइनस वन ओवर बी होल क्यूब। अब यहाँ पे देखें, ये होल क्यूब है तो यहाँ पे कौन सा वाला फार्मूला यूज़ होगा, जो कुलिया नंबर 5 है वो यूज़ होगा, क्योंकि ये होल क्यूब का है ना कि ये यूज़ होगा, यहाँ पे सेपरेट सेपरेट क्यूब है। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे जी। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी, फार्मूला लिखती हूँ मैं, जो कि है ए माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल है ए क्यूब माइनस 3 ए बी इंटू ए माइनस बी क्यूब। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास दो चीज़ों का होना जरूरी है, जो कि है ए और बी। तो ए और बी हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को शो करते हैं, तो इसकी फर्स्ट टर्म है ए बी और इसकी सेकंड टर्म है 1 ओवर ए बी। तो इसका मतलब है जो ए इज इक्वल है वो है ए बी के, और जो बी इज इक्वल है वो है 1 ओवर ए बी के। अब हम यही फार्मूला यूज करेंगे, लेकिन जहाँ पे ए होगा वहाँ पे हम ए बी को लिखेंगे और जहाँ पे बी होगा वहाँ पे हम 1 ओवर ए बी को लिखेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ए माइनस बी होल क्यूब है, ए माइनस बी अगर हो ये है तो एक ही जगह पे हम लिखेंगे ए बी माइनस वन ओवर ए बी होल क्यूब इज इक्वल, देखें ए क्यूब है तो ए क्यूब का मतलब है ए की वैल्यू क्या है, ए बी होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए क्या है, ए बी, और बी क्या है 1 ओवर ए बी। फिर आगे है ए माइनस बी मतलब ए बी माइनस 1 ओवर ए बी माइनस बी क्यूब यानी कि 1 ओवर ए बी होल क्यूब। अब हम इसको करेंगे सॉल्व, ए बी का जब क्यूब लेंगे तो ये हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3, ये ए बी, इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में कोई साइन नहीं है तो ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, ए बी डिवाइड, तो ये कट जाएगा ए बी वन जा ए बी, ए बी वन जा ए बी, तो 3 वन जा 3 इंटू ए बी माइनस 1 ओवर ए बी, ये ऐसे ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब होगा 1 और ए बी का क्यूब हो जाएगा ए क्यूब बी क्यूब। अब देखें हमने क्या करना है, ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 को ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 इन दोनों के साथ हो रहा है मल्टीप्लाई। तो 3 को जब ए बी से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 ए बी, इस माइनस से अगला साइन हो जाएगा चेंज, प्लस 3 वन जा 3 ओवर ए बी माइनस 1 ओवर ए क्यूब बी क्यूब। तो ये है आपका आंसर, इसकी बस अगर आंसर में जगह ऐसे हो भी हो सकता है लिखा हो ए क्यूब बी क्यूब माइनस 1 ओवर ए क्यूब बी क्यूब माइनस 3 ए बी प्लस 3 ओवर ए बी, ये भी आंसर ठीक है इसका, और ये भी, इसमें बस थोड़ी सी जगह चेंज है।